हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी वन में पाठ नौ का अध्ययन करेंगे। पाठ नौ का नाम है श्री राम की बाल लीला। यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कवितावली से उद्धृत है। श्री राम की बाल लीला। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य की आराधना करते हुए, आराध्य का अर्थ है अपने अपने प्रभु की भक्ति करते हुए, जनमानस के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। आस्था का दूसरा नाम है आशा और उम्मीद, अर्थात आस्था उस पक्षी को कहा गया है जो निराशा के अंधेरे में भी आशा के उजाले को महसूस कर लेता है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। कविता का प्रथम पद है, कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। ससी का अर्थ है चंद्रमा, आरी का अर्थ है हट करना। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पद में श्री राम की बाल लीला का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि कभी तो प्रभु श्री राम चंद्रमा को मांगने का हट करने लगते हैं, वह जिद करने लगते हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए, और कभी कभी वह जब जल में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अर्थात वह अपनी परछाई को देखते हैं, अपनी खुद की छाया को देखते हैं, तो उसे देखकर डरे, यानी कि वह डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और कबहू करताल बजाई के नाचत, करताल का अर्थ है तालियां बजाकर, और कभी वह अपने हाथों से तालियां बजा बजा कर नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। और जब श्री राम को, अपने चारों पुत्रों को उनकी माताएं ऐसा करते हुए देखती है, तो वह सब अपने मन में मोद से भर जाती है, अर्थात आनंद से भर जाती है। कबहू ऋषि आई कहे हटके, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। और कभी कभी श्री राम ऋषि आई का अर्थ है रूठ कर जिस चीज को मांगने का हट करने लगते हैं। कभी कभी प्रभु श्री राम रूठ करके जिस चीज को मांगने का हट करने लगते हैं। पुनि लेत सोई, वह उसको लेकर ही मांगते हैं। जेही लागी अरे, वह जिस वस्तु को प्राप्त करने का हट करते हैं, जिद करने लगते हैं, जब तक वह वस्तु उन्हें नहीं मिलती वह उसका हट किए हुए रहते हैं, जब तक वह उन्हें प्राप्त नहीं हो जाती। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अंतिम पंक्ति में भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है कि अवधेश अर्थात अयोध्या के राजा दशरथ के ये चारों बालक, चारी का अर्थ है चारों, ये चारों बालक अर्थात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सदैव तुलसी के मन रूपी मंदिर में विहरें, अर्थात विहार करते रहें, विचरण करते रहें। द्वितीय पद है, बर दंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। श्री राम के सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, बर दंत की पंक्ति कुंद कली। बर का अर्थ है श्रेष्ठ या सुंदर, दंत का अर्थ है दांत, पंक्ति का अर्थ है पंक्ति या लाइन, और कुंद कली का अर्थ है मोगरे की कली। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत कहा है कि श्री राम के दांतों की जो पंक्ति है, श्री राम के दांतों की जो पंक्ति है वह मोगरे की कली के समान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ लग रही है। अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर उनके जो दोनों होठ हैं, श्री राम के जो दोनों होठ है वह पल्लव के समान है। पल्लव अर्थात नवीन किसले, वृक्षों के ऊपर जो नए नए पत्ते खिलते हैं, जो नए नए किसले आते हैं, उनके दोनों होठ उसके समान लग रहे हैं। चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। श्री राम ने
अपने शरीर के ऊपर जो मोतियों की सुंदर माला पहन रखी है वह अमोलन है, अर्थात अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और वो मोतियों की सुंदर माला ऐसी सुशोभित हो रही है मानो घने बादलों के बीच चपला अर्थात बिजली चमक रही हो। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, श्री राम के सुंदर मुख के ऊपर उनके घुंघराले बालों की लटे लटक रही है। कुंडल लोल कपोलन की, और उन्होंने अपने कानों में जो सुंदर कुंडल पहन रखे हैं वह उनके गालों को भी छू रहे हैं और अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। नेव छावरी प्राण करे तुलसी, कवि तुलसीदास ने कहा है कि श्री राम के ऐसे सुंदर रूप पर, उस मनोहारी रूप पर मैं न्योछावर हुआ जाता हूँ, मैं अपने प्राणों को न्योछावर करता हूँ और बलि जाऊँ लला इन बोलन की। इन बोलन की अर्थात राजा दशरथ के ये चारों पुत्र जब अपनी तोतली जबान में बोलते हैं तो मैं इस जबान पर बलिहारी हुआ जाता हूँ।